हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेली करंट अफेयर। दोस्तों आज हम जानेंगे दैनिक करंट अफेयर के बारे में 2022 के, जो 1 से 15 मार्च 2022 के बीच जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए उसके बारे में। दोस्तों ये वीडियो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, 40 से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं और ये 1 से 15 मार्च के बीच के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए उनके बारे में है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम चर्चा करेंगे इसके बाद 15 से जो 30 मार्च तक के भी क्वेश्चन होंगे उनके बारे में। चलिए दोस्तों बिना समय गवाए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। हाल ही में बिल गेट्स को किस देश ने अपना सेकंड हाईएस्ट ऑनर से सम्मानित किया है? तो ये है पाकिस्तान। दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान ने बिल गेट्स को अपना सेकंड हाईएस्ट ऑनर से सम्मानित किया है। दोस्तों पोलियो उन्मूलन की मदद के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। दोस्तों ये पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। चलिए बात आइए पाकिस्तान की, तो चलिए मैप में आपको पाकिस्तान के बारे में बताते हैं। मैप में ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे, पाकिस्तान ये हमारा पड़ोसी राज्य है। इसका जो मोटो है वह फेथ यूनिटी डिसिप्लिन है। यहाँ का जो गान है या सॉन्ग है कौमी तराना है। राजधानी इस्लामाबाद। राष्ट्रपति आरिफ अलवी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और स्वतंत्रता 14 अगस्त 1947 को मिली थी, यानी भारत से एक दिन पहले से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों हाल ही में माधवी पुरी बुच के लिए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों ये पहली महिला है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड, यानी जिसे हम सेबी कहते हैं उसकी। चलिए बात आई है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड की, तो आपको इसके बारे में बता दें। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में की गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है और अध्यक्ष हाल ही में माधवी पुरी बुच ही बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? तो दोस्तों इसमें भारत की रैंक 120वीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत की 120वीं रैंक है। दोस्तों 17 गोल दिए जाते हैं इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। दोस्तों अगर बात करें भारतीय राज्यों की, तो केरल पहले राज्य पर है, पहले स्थान पर है। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। गोवा तीसरे स्थान पर है। वहीं अगर बात करें 2020 में भारत की रैंक क्या थी, तो 2020 में भारत 117वें स्थान पर था। बात करें वर्तमान में पाकिस्तान की रैंक क्या है, तो 129वें स्थान पर है पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कैरोलिना रंतामाकी को चुना गया है, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। कैरोलिना रंतामाकी को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है। अब ये दोस्तों OIC की बात हुई, तो चलिए आपको इसके बारे में बता दें। OIC की स्थापना 24 जून 1894 में की गई थी। इसके फाउंडर PRA डी कोर्तबर्टेन है और हेडक्वार्टर लुसान स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट वर्तमान थॉमस बाक हैं और हाल ही में इसका अध्यक्ष जो है वह कैरोलिना रंतामाकी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने स्वयं 22 शक्ति युद्ध अभ्यास किया है, इसका आयोजन पहली बार कब किया गया था? तो दोस्तों 22 शक्ति युद्ध अभ्यास का आयोजन पहली बार 2010 में किया गया था, तो ऑप्शन सी 2010 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय कॉरिडोर किस देश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ओपन किया गया है? तो दोस्तों यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए मानवीय कॉरिडोर ओपन किया गया है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों एक और ऑपरेशन चलाया गया है जिसका नाम गंगा रखा गया है, जो यूक्रेन में फंसे भारतीय उन्हें वापस लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुधीर सक्सेना को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक चुना गया है? तो सुधीर सक्सेना को हाल ही में मध्य प्रदेश का पुलिस महानिदेशक चुना गया है, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, MP। दोस्तों आपको बता दें 1987 बैच के IPS अधिकारी हैं। 31वें DGP होंगे मध्य प्रदेश के। ऐसे दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें, मध्य प्रदेश के पहले जो DGP थे वह VG दुबे थे। बात आइए मध्य प्रदेश की, तो चलिए मैप में आप लोकेशन देख पा रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश की स्थापना या गठन 1 नवंबर 1956 में, राजधानी भोपाल है। राज्यपाल मग्गू भाई छगन भाई पटेल हैं। शिवराज सिंह चौहान भाजपा से मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा की 230, राज्यसभा की 11 है और लोकसभा की 29 सीटें हैं। वहीं बात करें यहाँ के पुरस्कारों की, तो कालिदास शिखर सम्मान, तानसेन, लता मंगेशकर, शरद जोशी और कुमार गंधर्व ये प्रमुख पुरस्कार हैं। बांधवगढ़, कान्हा केसली, माधव पेच, सतपुड़ा, वन विहार ये प्रमुख उद्यान हैं। जलप्रपात की बात करें तो मध्य प्रदेश में चचाई, बहुटी, धुआंधार, कपिलधारा, दूधधारा ये जलप्रपात हैं। वहीं बात करें बांध की, तो बरगी, राजघाट, बाणसागर, तवा
गांधी सागर बांध, ये प्रमुख बांध है मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ विश्व कप में निशानेबाजी में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों भारत के लिए स्वर्ण पदक सौरभ चौधरी ने जीता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ निशानेबाजी में भारत के सौरभ चौधरी ने यह गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों इसका आयोजन काहिरा में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेन बॉन्ड का निधन हुआ, ये कौन थे? तो दोस्तों ये बहुत बड़े क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 52 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। दोस्तों राजस्थान ने एकमात्र आईपीएल जीता है, और जब ये आईपीएल जीता था उस टाइम सेन बॉन्ड ही यहाँ के कप्तान हुआ करते थे। दोस्तों टेस्ट में सबसे ज्यादा 600 विकेट लिए हैं, तो ये कुछ रिकॉर्ड थे सेन बॉन्ड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजपुर उत्सव की शुरुआत हाल ही में किस जिले में की गई है? तो दोस्तों भोजपुर उत्सव की शुरुआत हाल ही में रायसेन में की गई है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत हाल ही में किस देश में की गई है? तो दोस्तों आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत हाल ही में न्यूजीलैंड में की गई है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आपको बता दें सबसे सफल टीम इसमें ऑस्ट्रेलिया रही है। दोस्तों इस बार महिला वनडे वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की टीम डेब्यू कर रही है, जिसका आयोजन न्यूजीलैंड में होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मध्य प्रदेश में कहाँ स्टैच्यू ऑफ बैलेंस नामक मूर्ति बनाई गई है? तो दोस्तों हाल ही में स्टैच्यू ऑफ बैलेंस नामक की मूर्ति ओंकारेश्वर में बनाई गई है मध्य प्रदेश में, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्टैच्यू ऑफ बैलेंस की मूर्ति बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हाल ही में कहाँ किया गया है? दोस्तों इसका अनावरण प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा पुणे में किया गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों छत्रपति शिवाजी की यह जो प्रतिमा है वह 9.5 फीट की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 1975 से इस दिन की शुरुआत की गई थी। 2022 में इसकी जो थीम है वह जेंडर इनइक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो, ये थीम रखी गई है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ग्लोबल फोरम के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका आयोजन बेंगलुरु में किया जा रहा है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इंडिया ग्लोबल फोरम के पहले संस्करण का आयोजन बेंगलुरु में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इस्पात राजभाषा पुरस्कार 2021-22 किसे दिया गया है? तो दोस्तों यह जो अवार्ड है वह JSW इस्पात स्टील लिमिटेड को दिया गया है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। JSW स्टील एंड आयरन कंपनी को इस्पात राजभाषा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। मरणोपरांत नारी शक्ति अवार्ड हाल ही में किसे दिया गया है? तो डॉक्टर इला लोढ़ा को हाल ही में मरणोपरांत नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों जो यह नारी शक्ति अवार्ड है, पहला अवार्ड 1999 में दिया गया था, और पहला अवार्ड KV रविया को दिया गया था। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हाल ही में किसे दिया गया है? तो दोस्तों यह अवार्ड हाल ही में उस्ताद अमजद अली खां को दिया गया है, तो ऑप्शन सी अमजद अली खां इसका सही आंसर होगा। हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हाल ही में अमजद अली खान को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पहली बार कौन सा बजट लाया गया है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में पहली बार जो बजट लाया गया वह चाइल्ड बजट है, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चाइल्ड बजट मध्य प्रदेश में पहली बार लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुषमा स्वराज अवार्ड की घोषणा हाल ही में किस राज्य ने की है? तो हरियाणा ने सुषमा स्वराज अवार्ड की घोषणा की है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के योगदान हेतु यह अवार्ड की घोषणा की गई है। बात आइए हरियाणा की, तो लोकेशन आप देख पा रहे होंगे हरियाणा की। हरियाणा के राज्य का दर्जा 1 नंबर 1966 में दिया गया था। राजधानी चंडीगढ़ है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं। भाजपा से राज्यसभा की 5, लोकसभा की 10 सीटें हैं। यहाँ का जो स्तनपायी वह काला हिरण है। पक्षी की बात करें तो काला फ्रेंकोलिन यहाँ का पक्षी है। फूल की बात करें तो कमल हरियाणा का राजकीय फूल है। वहीं बात करें पेड़ की तो पीपल हरियाणा का राजकीय पेड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो दोस्तों
त्रिपुरा ऐसा राज्य बन गया है जो महिलाओं को 33% आरक्षण देगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। बात आई है त्रिपुरा की, तो लोकेशन आप देख पा रहे हो कि त्रिपुरा की या भारत की। मैप में त्रिपुरा की राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 में की गई थी। राजधानी अगरतला है। सत्यदेव नारायण आर्य राज्यपाल हैं। वहीं बात करें अगर मुख्यमंत्री को, मानेकशॉ है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यसभा की एक, लोकसभा की 2 सीटें हैं त्रिपुरा में। उच्च न्यायालय त्रिपुरा उच्च न्यायालय है। राजकीय पशु फेरे बंदर है। दोस्तों यहाँ का राजकीय पक्षी हरा शाही कबूतर है। वृक्ष आयरवुड है। और पुष्प की बात करें तो मेसुआ फेरिया यहाँ का राजकीय पुष्प है। वहीं राज्य फल की बात करें तो रानी अनानास यहाँ का राजकीय फूल है। तो ये फैक्ट आपको त्रिपुरा के बारे में याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल किस जिले में खोला जाएगा। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहला ड्रोन स्कूल खोला जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों बात आइए ग्वालियर की, तो चलिए आपको ग्वालियर के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बता दें। ये लोकेशन मध्य प्रदेश के मैप में ग्वालियर की आप देख पा रहे होंगे। इसका प्राचीन नाम गोपांचल था। मध्य प्रदेश राजस्व और लेखाकार कार्यालय आबकारी विभाग मुख्यालय ग्वालियर में ही है। मोहम्मद कौस का मकबरा, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, तानसेन का मकबरा ग्वालियर में ही स्थित है। एशिया का प्रथम शारीरिक परीक्षण महाविद्यालय भी ग्वालियर में ही खोला गया है। ग्वालियर किले को किलों का रत्न कहा जाता है। विजय राजे सिंधिया विश्वविद्यालय की स्थापना 2006 में की गई थी। सोनचिड़िया के लिए घाटी का अभयारण्य प्रसिद्ध है। तेली का मंदिर द्रविड़ शैली में उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर ग्वालियर में ही स्थित है। तो ये कुछ बात हुई ग्वालियर की इंपोर्टेंट फैक्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया है। तो पूसा कृषि मेले का आयोजन हाल ही में दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, दिल्ली। दोस्तों इसकी जो थीम रखी गई है सेल्फ रिलायंट फार्मर विद टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज, ये थीम रखी गई है। और इस मेले का उद्घाटन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRDAI का चीफ हाल ही में किसे बनाया गया है। तो दोस्तों देवाशीष पांडा को हाल ही में IRDAI का चीफ बनाया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों IRDAI है क्या आपको इसके बारे में बता दें। दोस्तों इसका फुल फॉर्म इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। इसका जो फॉर्मेशन है वह 1999 में किया गया था और हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। इसके चीफ हाल ही में देवाशीष पांडा को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में कहाँ किया गया है। तो दोस्तों बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में राजस्थान के झालावाड़ में किया गया है। तो ऑप्शन सी राजस्थान इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यह प्रतिमा जो है वह 6 फीट की है और इनकी यह यानी बिपिन रावत जी की पहली प्रतिमा है। आपको बता दें ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। दोस्तों बात आई है राजस्थान की, तो लोकेशन आप देख पा रहे हो राजस्थान की है। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 में राजधानी जयपुर है। राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यसभा की 10 और लोकसभा की 25 सीटें हैं। राजस्थान का राजकीय पेड़ खेजड़ी है, पक्षी गोदावरी है, नृत्य घूमर है, यहाँ का फूल रोहड़ा है। वहीं बात करें राजकीय खेल की तो बास्केटबॉल राजस्थान का राजकीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख सैनिक हेतु किस नाम का नया हेलमेट बनाया गया है। तो दोस्तों वीर नाम का हेलमेट सिख सैनिकों के लिए हाल ही में बनाया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। शॉक प्रूफ केमिकल का कोई असर इस हेलमेट पर नहीं होगा और खासतौर पर यह सिख सैनिकों हेतु ही बनाया गया है। रेलवे कितने फूड प्लाजा खोलेगा। तो दोस्तों रेलवे हाल ही में 100 से ज्यादा फूड प्लाजा खोलने की तैयारी में है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी 33 सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है। तो दोस्तों भारत के सबसे बड़े 33 सौर ऊर्जा का उद्घाटन हाल ही में तुतीकोरिन तमिलनाडु में किया गया है। तो ऑप्शन डी तमिलनाडु इसका सही आंसर होगा और उस जगह का नाम तुतीकोरिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FATF का प्रेसिडेंट किसे चुना गया है। तो इसका सही आंसर होगा राजा कुमार। हाल ही में राजा कुमार को FATF का प्रेसिडेंट चुना गया है। दोस्तों इनकी प्रेसिडेंसी 2022 से 2024 के बीच में रहेगी। दोस्तों ये मार्कस प्लेयर जो जर्मनी के थे उनकी जगह इन्हें चुना गया है। बात आई है FATF की, तो आपको इसके बारे में बता दें, इसका फुल फॉर्म फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है। इसका फॉर्मेशन 1989 में किया गया था।
हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बुकर अवार्ड हेतु किस भारतीय को नामित किया गया है? तो दोस्तों बुकर अवार्ड हेतु हाल ही में गीतांजलि श्री को नामित किया गया है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। दोस्तों बुकर अवार्ड हेतु भारत की ओर से गीतांजलि श्री को नामित किया गया है। जर्मन ओलंपिक 2022 में किसने रजत पदक जीता है? तो दोस्तों जर्मन ओलंपिक 2022 में हाल ही में लक्ष्य सेन ने यह अवार्ड जीता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। भगोरिया उत्सव की शुरुआत हाल ही में किस जिले में की गई है? तो दोस्तों भगोरिया उत्सव की शुरुआत हाल ही में झाबुआ में की गई है। तो ऑप्शन ए झाबुआ इसका सही आंसर होगा। सीएम के द्वारा इसमें शिरकत की गई है और भगोरिया उत्सव झाबुआ का ही प्रमुख नृत्य उत्सव है। दोस्तों 2022 के बाफ्टा फिल्म अवार्ड के बारे में हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसकी संभावना सबसे ज्यादा है। तो चलिए बता दें आपको, बाफ्टा फिल्म अवार्ड की स्थापना 29 मई 1949 में की गई थी। हेडक्वार्टर लंदन में है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड द पावर ऑफ द डॉग के लिए दिया गया है। वहीं जो इसके निर्देशक हैं, जो चैन कैंपिंग हैं, इनके लिए हाल ही में बेस्ट निर्देशक का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड कॉट सरटॉय को दिया गया है कोडा फिल्म के लिए। बेस्ट जो ब्रिटिश फिल्म है वह बेलफेस्ट को चुना गया है। वहीं बेस्ट एक्टर बिल स्मिथ को चुना गया है, किंग रिचर्ड इनकी फिल्म का नाम था। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जोना स्केलन के दिया गया है। मोस्ट अवार्ड जो जिस फिल्म ने जीते हैं वह ड्यूना है। और 2021 की बेस्ट फिल्म प्रोमिसिंग योर वुमन ये चुनी गई है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हुए बाफ्टा फिल्म अवार्ड के बारे में, आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की 1 से 15 मार्च 2022 के बीच जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए उसके बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दोस्तों अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो इस आईडी पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो भी आप मेल कर सकते हैं। आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।